हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे यूट्यूब ऐप पर अपना डाटा कैसे सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले आप अपने यूट्यूब ऐप के ऊपर में एक लोगो दिखाई देता है ना, उस लोगो में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऊपर में जो जनरल वाला ऑप्शन है, जनरल वाला ऑप्शन में सबसे पहले क्लिक करना है। जनरल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्लेबैक इन फीच, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन का आपको ऑफ कर देना है। ओके, ऑलवेज ऑन रहेगा तो आपको इसमें ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको बैक आ जाना है। ओके, तो बैक आने के बाद आपको डाटा सेविंग ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं। डाटा सेविंग ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको डाटा सेविंग मोड ऑप्शन में आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सभी ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो ऊपर वाला दो ऑप्शन ऑन कर देना है, रिड्यूस वीडियो क्वालिटी और रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी। फिर आपको ऑटो प्ले में क्लिक करके ये ऑटो प्ले ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। ओके, इस ऑप्शन का आपको ऑफ कर देना है। फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको वीडियो क्वालिटी प्रिफरेंस में क्लिक कर देना है। वीडियो क्वालिटी प्रिफरेंस में आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो क्वालिटी और मोबाइल नेटवर्क्स, ओके, इस ऑप्शन में आपको डाटा सेवर ऑप्शन में ऑप्शन को ऑन कर देना है। ओके, और फिर वीडियो क्वालिटीज ऑन वाईफाई को आप अपने हिसाब से रहना देना है। तो आप डाटा सेवर भी कर सकते हैं, ऑटो भी रखते हैं। फिर आपको डाउनलोड क्वालिटी में आना है। डाउनलोड क्वालिटी में आपको डाउनलोड क्वालिटी इसको आप आज इस टाइम में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड ओवर वाईफाई ओनली इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। रिकॉमेंड डाउनलोड को ऑन ऑफ कर देना है, ऑन रहेगा। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता देना और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो वीडियो इतने ही, तब तक के लिए बाय बाय।